आप सभी को नमस्ते। क्लास इलेवेंथ की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने शुरू किया था, आज ये उसका आठवां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन, इसके बाद देखेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही ईजी फंक्शन है। एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में, ग्राफ हो या फंक्शन किस तरह डिफाइन है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगी। देखें आप, फंक्शन एफ आर टू आर रियल टू रियल डिफाइन है, कोडोमेन उसकी रियल है, डोमेन रियल नंबर है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, क्या है ये, जैसे टू के पावर एक्स या वन बाई टू के पावर एक्स, इस तरह से हम लिखते हैं ना, इस तरह से आपने लिखा होगा, थ्री के पावर एक्स, फोर के पावर एक्स। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, ए जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है ये भी आप समझ लीजिए, मतलब बेस जो है जिस पे भी आप पावर चढ़ाएंगे, एक्सपोनेंट चढ़ाएंगे, बेस हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों ऐसा है, अगर मान लो हम निगेटिव बेस ले लें, जैसे मान लो हमने माइनस फोर ले लिया, ठीक, अब अगर हमने बेस निगेटिव ले लिया और इस पे किसी ने वन अपॉन टू पावर चढ़ा दी, पावर में वन अपॉन टू का मतलब क्या है, इसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर डिफाइन नहीं है भाई, रूट में निगेटिव नहीं हो सकता, रियल नहीं रहेगा, इसलिए भाई क्योंकि अगर हमने निगेटिव लिया फिर हम किसी को मना नहीं ना कर पाएंगे कि तुम ये पावर मत चढ़ाओ, इसलिए हम निगेटिव लेते ही नहीं, हम निगेटिव लेंगे ही नहीं, कोई पचड़ा ही नहीं, कोई बवाल ही नहीं। ठीक, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, जहाँ ए हमेशा पॉजिटिव होगा और ए जो है वो वन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वन पे आप वन के पावर टू चढ़ाओ वन आएगा, वन के पावर थ्री चढ़ाओ वन आएगा, वन के पावर हंड्रेड चढ़ाओ वन आएगा, तो वन लेने से क्या मतलब है जब वन ही आएगा, इसलिए वन नहीं लेते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अलग अलग एक्स पर एक ही वाई आ रहा है, फंक्शन के तौर पे तो डिफाइन है लेकिन वन जो है बार बार वही आ रहा है, तो वन लेने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ए पॉजिटिव होगा, ठीक है मान लिया, ए जो है वो वन नहीं होगा मान लिया, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ए वन से बड़ा होगा या जीरो और वन के बीच में होगा, ऐसा हो सकता है ना भाई, जीरो से बड़ा है और बीच में वन नहीं है, लेकिन जीरो और वन के बीच में है और फिर वन से बड़ा, तो हो ही सकता है। तो हमने क्या दो केसेस बनाए, पहला केस व्हेन ए ग्रेटर देन वन, दूसरा केस व्हेन ए बिटवीन जीरो एंड वन। व्हेन ए ग्रेटर देन वन को देखते हैं, सबसे सिंपल, इसको आप एक एग्जांपल लेके समझिए। यहाँ ए के पावर एक्स से फंक्शन डिफाइन है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन वाले केस को हम ले रहे हैं, तो हम एग्जांपल के लिए टू के पावर एक्स रख सकते हैं, क्योंकि टू क्या है, ग्रेटर देन वन है। ठीक है, टू के पावर एक्स इसको दिमाग में रखिए, सिर्फ इसको दिमाग में रखिए, टू के पावर एक्स को। अब एक्स की वैल्यूज आप बदलते जाएंगे, एक्स की वैल्यू आप जीरो रखिए, क्या आएगा, वन आएगा। देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वन आएगा। अब यहाँ टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, कुछ भी हो, उसी तरह लगभग रिजल्ट आएंगे। फिर उसके बाद जीरो से थोड़ा बढ़ाइए, वन रखिए तो टू आएगा, बढ़ा। टू रखिए तो टू के पावर टू फोर आएगा, थ्री रखिए तो एट आएगा, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मतलब जब आप x की वैल्यू जीरो से बढ़ाएंगे तो ये वन से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन वन से ज़्यादा आएगी, क्योंकि जीरो पे एग्जैक्ट वन आ रहा था। ठीक, x की वैल्यू जब आप जीरो से कम करेंगे, मतलब निगेटिव करेंगे, x की वैल्यू तो कर ही सकते हैं, निगेटिव कर सकते हैं, a को निगेटिव नहीं कर सकते, उसकी बात की गई थी। ठीक, a को निगेटिव किया, x को निगेटिव किया जा सकता है। आप x में माइनस वन पुट करिए तो 2 के पावर माइनस वन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 1 अपॉन 2 के पावर 1 अपॉन 2 लेस देन 1 है। देखो 2 के पावर आप माइनस टू पुट करिए, यानी x की जगह माइनस टू रखा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 अपॉन 4, ये और छोटा हो गया, तो 1 से छोटा होता जा रहा है। इसी आधार पे देखो किस तरह हमने फंक्शन को समझा, एक एग्जांपल लेके समझा तब हम डिफाइन कर पाए। इसी आधार पे आप इसका ग्राफ बनाइए। जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी
तो ये 1 से कम होगी और लगातार छोटी होती चली जाएगी, इसीलिए देखो एकदम ये छोटी सी, जितना एक्स आप इधर गए ये एकदम जीरो के पास पहुंचने लगा। ठीक, जीरो पे जब एग्जैक्ट पहुंचे तो ये 1 हो गया, इसीलिए इस पॉइंट पे यहाँ काट रहा है 0.1 पे, और फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक, जिस तरह एफ एक्स इज इक्वल टू 2x था उसी तरह एक है एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स स्मॉल ई, इसकी वैल्यू होती है 2.71, यहाँ हमने लिखा है 2.718282। आप 2.71 तक भी याद रखें, आपके लेवल पे इतना पर्याप्त है, काफ़ी है। इसको कहते हैं ऑयलर्स नंबर। ठीक है, आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी। इसको कहते हैं ऑयलर्स नंबर। अब बहुत से लोग इसको यूलर्स नंबर भी पढ़ते हैं, स्पेलिंग देखो ये है, तुमको यूलर पढ़ना है यूलर पढ़ो, ऑयलर पढ़ना है ऑयलर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो स्पेलिंग यही है। ठीक, अच्छा ये तो हुआ पहला केस। अब दूसरा केस, जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, ए क्या है यहाँ पे, ये जो था 2 यहाँ था, 0 और 1 के बीच में, चलो 1/2 ले लेते हैं भाई, एग्जांपल लेके समझेंगे तो तेजी समझ में आएगा, यहाँ डिफाइन करना सरल होगा। 1/2 ले लिया, 1/2 में जब x की जगह 0 पुट किया तो 1 आई वैल्यू, ठीक है उसी की तरह है। जब हमने 0 से ज़्यादा ली वैल्यू, जैसे 1 ली तो 1/2, 2 ली तो 1/4, 3 ली तो 1/8, लगातार छोटा 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 होता जा रहा है, 1 से छोटा होता जा रहा है, वहाँ क्या था, बढ़ रहा था। यहाँ एक्स की वैल्यू निगेटिवली, अब ये बढ़ेगा, देखो कैसे, 1/2 के पावर -1 क्या आएगा 2, 1/2 के पावर -2 क्या आएगा 4, 1/2 के पावर -4 क्या आएगा 16। तो ये लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है निगेटिव में, इसीलिए देखो इसका ग्राफ भी ऐसा है, जब एक्स पॉजिटिव है काफ़ी बड़ा है तो ये एकदम जीरो के पास है, बढ़ते 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 जब एक्स जीरो पे आया तो वाई की वैल्यू 1 हो गई, इसीलिए 0.1 आया। अब x जब निगेटिव में जा रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही। एग्जाम्पल से समझा, इस तरह डिफाइन है, सारी बात क्लियर हो गई। मेन फंक्शन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर x, जहाँ a ग्रेटर देन 0 होगा और a 1 नहीं होगा। क्यों हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, उसकी वजह भी हमने आपको बताई, हम निगेटिव ले लें और उस पर कोई इवन पावर का रूट चढ़ा दे, जैसे 1/2 चढ़ा दे पावर में, तो निगेटिव का रूट नहीं लेते, वहां हम फंस जाएंगे, इसलिए कभी भी बेस को निगेटिव नहीं लेते। हमने 2 केस बनाए, ए ग्रेटर देन 1 पे इस तरह डिफाइन किया, ग्राफ बनाया, ए बिटवीन 0 ग्रेटर देन ए, ए जो है वो 0 और 1 के बीच में, और फिर इस तरह से फंक्शन डिफाइन हुआ। ठीक, 0 < a < 1, ठीक इस तरह से, ये ऐसा है ग्राफ। अब देख लीजिए लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन क्या है, थोड़ा सा ही इसको एक्सपोनेंशियल को ही थोड़ा सा बदल के लॉग एक अलग फंक्शन इसकी सहायता से बनाया गया। अगला ही लेक्चर, कल का लेक्चर लॉग पे रहेगा, कंप्लीट एक लेक्चर हम लॉग को देंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक बड़ी भारी कमी है कि नीचे की क्लासेस में आपने लॉग नहीं पढ़ा है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपको लॉग का यूज़ आएगा, मैथ में भी अपना यूज़ है इसका, ठीक है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहले 9th क्लास में ही लॉग पढ़ा दिया जाता था, अब समझ लीजिए लॉग कितना सरल है, इसलिए कल का लेक्चर बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, कल लॉग पे एक पूरा लेक्चर आएगा। यहाँ देखिए लॉग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ए, ये क्या है, बेस में ए है और यहाँ पे एक्स है। ठीक, अब बेस में ए बिल्कुल इसी की तरह, देखो लॉग भी किसी निगेटिव नंबर का नहीं लेते, हम किसी निगेटिव नंबर का लॉग नहीं लेते, इसकी चर्चा भी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ए वो तो पॉजिटिव होगा, यहीं से बताया, 1 नहीं होगा ये भी बताया, इसमें भी देखो इसकी तरह 2 केस बनेंगे, व्हेन ए ग्रेटर देन 1, 0 < a < 1, ठीक इस तरह से 2 केसेस बनेंगे। अभी सुन लो कि निगेटिव का लॉग क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखो लॉग, ये लॉग जो हमने लिखा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग ऑफ एक्स, इसका लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू वाई, या जो भी आपने लिया हुआ,
तो हमने बेस कहा कि बेस तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। अब किसी भी बेस पर आप कोई भी पावर चढ़ा के कभी निगेटिव नंबर ला सकते हैं क्या? देखिए यहाँ कितना कुछ किया, ए ग्रेटर देन वन था, पॉजिटिव पावर चढ़ाई, निगेटिव पावर चढ़ाई, लेकिन हर बार एबव एक्स एक्सिस ही ग्राफ रहा, मतलब पॉजिटिव वाई ही रहा। यहाँ भी देखिए वाई हमेशा पॉजिटिव है, कभी वाई निगेटिव नहीं हो पाया। मतलब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर के पावर कुछ भी चढ़ा के एक निगेटिव नंबर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वही कहानी यहाँ है, किसी भी नंबर में जैसे बेस यहाँ पॉजिटिव है, इस पर आप कुछ भी पावर चढ़ाइए ये निगेटिव तो नहीं आ सकता, इसलिए एक्स भी कभी निगेटिव नहीं लेते हम। ठीक हो गई बात, अगर आपको थोड़ी असमंजस है तो कल के लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मत चिंता करिए। व्हेन ए ग्रेटर देन वन, अब देखो यहाँ कैसे डिफाइन है, जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, जैसे वहाँ एग्जांपल समझे थे, यहाँ एग्जांपल समझो। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू, टू के बेस पे, हाँ देखें आप, एक्स की जगह अगर हम वन पुट करते हैं, जैसे हमने वन रखा, अब वन टू की क्या पावर चढ़ाएं कि वन आ जाए? तो भाई टू की तो अगर हम जीरो पावर चढ़ाएं, या किसी भी बेस पे हम अगर पावर जीरो चढ़ा देते हैं तो वन मिल जाएगा, ठीक। इसीलिए y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। देखिए जीरो कॉमा वन एक पॉइंट है, सॉरी ये वन कॉमा जीरो है, वही तो ये वन कॉमा जीरो है, ठीक। x वन पुट किया और y जीरो आया। अच्छा अब आप क्या करें, हमने ग्रेटर देन वन मान लो बढ़ाया, वन से आगे बढ़े तो क्या होगा, मान लो टू रखी, लॉग ऑफ टू टू द बेस टू, तो टू की पावर क्या चढ़ाएं, इस बेस की पावर क्या चढ़ाएं कि टू मिल जाए, तो वन चढ़ाइए भाई। हमने लिया एक्स की जगह फोर, तो टू की पावर क्या चढ़ाएं कि फोर आ जाए, टू के पावर टू चढ़ाइए ताकि फोर आ जाए। ये सारी वैल्यू इस तरह आप बढ़ाते जाएं, एट करते जाएं, सिक्सटीन करते जाएं, बढ़ाते जाएं, ये सब जीरो से ज़्यादा आएंगी। मतलब आप एक्स जब वन पुट करेंगे तो जीरो आएगा, एक्स ग्रेटर देन वन पुट करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, और एक्स जब जीरो और वन के बीच होगा, जब एक्स जीरो और वन के बीच होगा तो लेस देन जीरो आएगा, निगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है ग्राफ से, ऐसे समझें। लॉग ऑफ वन बाई टू, भाई जीरो और वन के बीच में है, टू द बेस टू इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये निगेटिव आने लगा ना। वन बाई फोर करेंगे तो और नीचे माइनस टू जाएगा, इस तरह से ये घटेगा। अब वही चीज़ देखें, जीरो और वन के बीच में है ए, तो यहाँ इसी की तरह होगा, जब वन पुट करेंगे तो जीरो आएगा, वही गलती यहाँ भी हुई, वन को मन जीरो, जब वन पुट करेंगे तो जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ एक्स टू द बेस हाफ, ये हमने लिया है। अब वन वन अपॉन टू के क्या पावर चढ़ाएं कि वन आए, तो जीरो चढ़ाइए। फिर हम और नीचे गए, या एक्स की वैल्यू और बढ़ाई वन से ज़्यादा की, मान लो फोर की, तो वन अपॉन टू के पावर क्या चढ़ाएं कि फोर आ जाए, माइनस टू चढ़ाइए भाई, तो ये निगेटिव देखो हो रहा है। इसके बीच में आ गए, हमने मान लो लिख दिया वन अपॉन फोर लिख दिया, तो वन अपॉन टू के पावर क्या चढ़ाएं कि वन अपॉन फोर आ जाए, भाई टू चढ़ाइए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ठीक। उसी तरह देखो ये ग्राफ भी डिफाइन है, ठीक। जब एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, यहाँ है, तो ये देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब वन पे पहुंची तो जीरो हो गई, जब वन से ज़्यादा हुई तो निगेटिव होने लगी, नीचे पहुंच गई, ठीक है। समझ में आया, काफ़ी धीमे धीमे आराम से हमने समझाने की कोशिश की ताकि अच्छे से समझ में आए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, दोनों आप अच्छे से समझ गए। एक लास्ट फंक्शन देख लीजिए, फिर कल का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ऑयलर्स नंबर वगैरह के बारे में आपने जाना, e इज इक्वल टू 2.718282, 2.71 तक भी आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 9 हुआ था, 10वां फंक्शन देख लीजिए, रेसिप्रोकल फंक्शन।
ये फंक्शन है क्या? देखो वन अपॉन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर में हम जीरो पुट नहीं करेंगे, इसीलिए डोमेन में हमने क्या लिखा कि ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, बस जीरो मत पुट करना, ऑल रियल माइनस जीरो। अब देखो अगर हम इसका इनवर्स लेके देखें जैसा हम लोग करते थे डोमेन रेंज निकालने के लिए, तो वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, इसका जब आप इनवर्स लेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू वन हो जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई वाई। अब y की भी वही स्थिति है कि जीरो नहीं आ सकता, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल माइनस जीरो। ठीक है, इस तरह से समझें कि ना तो आप इसमें जीरो पुट कर सकते हैं ना आपको कभी जीरो मिलेगा। ठीक, देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग पुट करके भी देखें, x और y, अगर हम x इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, वन मिलेगा, टू पुट करते हैं तो वन अपॉन टू मिलेगा, थ्री पुट करते हैं तो वन अपॉन थ्री मिलेगा, मतलब लगातार छोटा होता जा रहा है, बढ़ाते 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 हम एक नंबर, बहुत बड़े नंबर इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हैं। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है लेकिन हम इनफाइनाइट के एकदम पास पहुँच गए, काफ़ी पास पहुँच गए, कभी आप एग्जैक्ट इनफाइनाइट पर नहीं पहुँच सकते, उसके पास हम जाते हैं, टेंड करते हैं उस तरफ। तो आपने एक बहुत बड़ा नंबर इस पे पुट कर दिया, तो वन अपॉन एक बहुत बड़ा नंबर, टोटल रिजल्ट क्या आएगा, बहुत छोटा एक नंबर, कहते हैं मान लो जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, बस वो एकदम जीरो से बहुत थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो आ भी नहीं सकता, एग्जैक्ट जीरो सिर्फ तब आ सकता है जब आप एग्जैक्ट इनफाइनाइट पुट कर दें, एग्जैक्ट इनफाइनाइट आप कभी पुट नहीं कर सकते, कोई नंबर नहीं ऐसा, तो जीरो कभी आ नहीं सकता, बहुत छोटा एक नंबर आएगा लेकिन वो जीरो नहीं होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए हम लिखते हैं जीरो और ऊपर ऐसे प्लस का निशान बनाते हैं कि थोड़ा सा बड़ा है, बस एकदम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जीरो भी नहीं है। फिर अब थोड़ा सा निगेटिव में भी देख लो भाई, जैसे हमने मान लो पुट किया माइनस वन तो क्या मिलेगा, माइनस वन, हमने पुट किया माइनस टू, माइनस वन बाई टू, ये भी घट ही रहा है, ये बढ़ रहा है, ये क्या है, वैल्यू छोटी हो रही ना, माइनस वन माइनस टू फिर माइनस थ्री होगी, और इसमें वैल्यू बढ़ रही है, वहाँ घट रही है तो यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही थी तो यहाँ घट रही थी। देखें आप घटते 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 जब आप माइनस इनफाइनाइट के पास पहुँचेंगे तो क्या होगा कि ये भी ज़ीरो के पास पहुँचेगा। देखें आप ग्राफ से यहाँ देखें, माइनस इनफाइनाइट के पास पहुँचे तो एकदम ये छोटी वैल्यू हो गई ज़ीरो, लेकिन निगेटिव में, इसलिए ज़ीरो के ऊपर माइनस साइन लगाया है। ठीक, अब एकदम आप ज़ीरो के पास पहुँचते जाओगे तो ये इनफाइनाइट के पास जाएगा, ये हमने बताया ही आपको। निगेटिव तरफ से अगर आप ज़ीरो के पास पहुँचोगे तो ये माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हैं, एक यहाँ नोट पॉइंट लिख लीजिए, एज एक्स, जब एक्स बढ़ता है तो वाई घटेगा, और जब x घटेगा तो y बढ़ेगा, तभी ना कहते हैं भाई कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हुई, फिर अब अगला लेक्चर हम लोग का होगा लॉग पे, पूरा एक लॉग पे एक लेक्चर लेंगे, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आज हमने यहाँ पर देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।